अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सोनिया बेटा क्या कर रहे हो, जल्दी चलो, अगर स्कूल जाने में आज भी देर हो गई ना तो एब्सेंट लग जाएगी। बेटा गार्डन में खेलने का टाइम नहीं है, चल यहाँ से। माँ कितने रंगी रंगी फूल है। सोनिया सोनिया क्या कर रही है, यूनिफॉर्म गंदा हो जाता ना टीचर डांटती ना, चलो अभी यहाँ से। माँ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बेटा खेल लेना, लेकिन स्कूल के बाद, ठीक है? चलो मानती, बहुत जिद्दी हो गई। आज मैं तुम्हारी टीचर से ना तुम्हारी कंप्लेंट करके ही रहूंगी, ये बहुत परेशान करने लगी है। चल चुपचाप एकदम यहाँ खड़ी रहेगी और हिलेगी नहीं, समझी तुम? हाँ तुम्हारे पापा भी ना तुम्हें बहुत सर पे चढ़ा के रखे हुए हैं। तुम्हारे पापा से मैं कंप्लेन करूंगी और तुम्हारा खेलना कूदना आज से बंद। सर इतना भयानक नजारा ना ही मैंने कभी देखा ना ही सुना। इतनी सारी लाशें, कंकाल, मतलब एक अरसे से कोई आदमी मासूम लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है। किसी नॉर्मल आदमी का काम नहीं हो सकता, ये आदमी दिमाग से बीमार है, साइको है कोई। बीमार भी है और शातिर भी, तभी तो इतने सालों से लोगों को मार के कुएं में फेंक रहा है और किसी को उसके जुर्म के बारे में पता भी नहीं चला। तो माँ और बेटी ने देख लिया, नहीं तो बात समझ में नहीं आई। कुएं के पानी में कुछ है क्या, इसकी वजह से उस बच्ची का पैर जल गया और घास भी जली हुई। अभिजीत इतने सारे लोगों को अलग अलग जगह पे मार के यहाँ पे ला के फेंकना कोई आसान काम नहीं है। कहीं तो मारता होगा, कोई ना कोई जगह तो होगी जहाँ पे वो खून करता होगा। इस इलाके में ज्यादातर इन्वेस्टर के बंगले हैं जो ज्यादातर खाली रहते हैं या कोई रहता नहीं वहाँ पे। ये तो और भी अच्छा है उसके लिए। एक काम करते हैं, सारे बंगलों चेक करते हैं, कोई केयर टेकर वॉचमैन किसी ने कुछ तो देखा होगा। चौकीदार वगैरह तो दिख नहीं रहा, घर में कोई है भी कि नहीं? कोई तो है घर में, दरवाजा अंदर से बंद है। अंदर कोई दिख तो नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार पीपा के अंदर पड़ा हो? ये भी तो हो सकता है कि वो जानबूझ के दरवाजा खोल नहीं रहा हो। सकता है, सारा खून। सर बहुत सारे चाकू भी हैं। यहाँ घर के अंदर इतना सारा खून और वहां कुएं में इतनी सारी लाशें, कोई ना कोई कनेक्शन है आपस में। बिल्कुल दया, कनेक्शन है। लगता है खून यहाँ पे होता है और लाशें उस कुएं में डाली जाती हैं। पर भी ये सब चाकू डालो, संभाल के, इसमें फिंगरप्रिंट्स होंगे।
अरे इसे तो किसी ने चाकू मारा। पर ये है कौन? बताओ रजत, क्यों किया तुमने उस लड़की का खून? मैंने लड़की का खून? हाँ रजत, तुमने एक लड़की का खून किया है, चाकू मारा है उसे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है सर। देखो रजत, छुपाने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर होगा तुम कोऑपरेट करो। सर, मैं इस खून के बारे में कुछ नहीं जानता, और ये किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? शायद इस फोटो को देखकर तुम्हें कुछ याद आने लगे। हम इस लड़की की बात कर रहे हैं, इस लड़की की जानते हो? रजत जी, रजत जी उठिए, रजत जी। मिले उससे, तो कोई बात की हो? बोलो। रजत, नहीं सर। जानते नहीं हो तो फिर खून क्यों किया इसका? खून? सर, आप लोग बार बार ये खून के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? रजत, जिस बंगले में हमें इस लड़की की लाश मिली, उसी बंगले में हमें तुम भी मिले थे, और वो भी खून से लथपथ। और सारंखी ने बताया कि वो खून इस लड़की का था। सिर्फ यही नहीं, जिस चाकू से इस लड़की का खून किया गया है, उस चाकू पे तुम्हारे उंगलियों के निशान मिले हैं, सिर्फ तुम्हारे उंगलियों के निशान। लेकिन सर, मैंने कोई खून नहीं किया, नहीं मारा मैंने। अगर तुमने इस लड़की को नहीं मारा तो फिर इसका खून तुम्हारे शरीर पर कैसे आया? तुम्हारे उंगलियों के निशान उस चाकू पर कैसे आए? क्या करने गए थे तुम उस घर में जहां पर इतने सारे चाकू और इतना सारा खून मिला? क्या करने गए थे? और उस घर के पास वाले कुएं में इतनी सारी लाशें कहां से आई? बताओ क्यों गए थे तुम उस घर, क्या करने गए थे? और फिर ये लड़की वहां उस घर में कैसे पहुंची? बताओ, बताओ, खामोश क्यों? तुम्हें क्या लगता है, खामोश रहने से तुम बेगुनाह साबित होगे? लगता है CID के तौर तरीके तुम भूल गए हो रजत। शर्माती है मुझे कि तुम हमारे CID का एक हिस्सा हो।
हाथ और उनके क्या क्या कहा तूने? अच्छा हाँ समझ गया मैं, ठीक है सर। रजत को सारंगी के पास लेकर जाओ। बात कैसा? सारंगी इसकी ब्लड टेस्ट करना चाहता है। सारंगी, कुएं में से जो लाशें मिली इनके बारे में कुछ पता चला? हाँ बस, इन लाशों का और कुएं के पानी का मैंने टेस्ट किया है। वो पानी तो पीने के लायक ही नहीं है। उस पानी में तो बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फेट मिला हुआ है। सल्फेट? ये तो बहुत ही पावरफुल केमिकल है। हाँ, और इस केमिकल का कोई रंग नहीं होता और पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है। और सल्फेट से बहुत ज्यादा जहरीले केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाए जा सकते हैं। और अगर किसी चीज में इसकी बहुत ज्यादा मात्रा मिला दी जाए तो इंसान का मांस, उसकी चमड़ी, उसकी हड्डियां, यहाँ तक कि मेटल और पत्थर को भी मिनटों में पिघला देता है। हाँ सारू जी, इसीलिए तो ये सारी लाशें इतनी जल्दी गल गई और फिर दुर्गंधी भी नहीं थी। बिल्कुल सारू जी, तू इनके चेहरे बना सकता है? नहीं, लाशों की ऐसी हालत है कि इनका चेहरा नहीं बनाया जा सकता है। हड्डियां भी बुरी तरह से गल चुकी। अच्छा, मौत कैसे हुई ये तो बता सकता है ना तू? हाँ, ये पता लग सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। चलो ठीक है, तब तो आसपास के पुलिस स्टेशन से पता लगाएंगे किसकी गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या। सर। हाँ। इस लड़की का पता चल गया सर, डेल्टा हॉस्पिटल में काम करती है। डेल्टा हॉस्पिटल में? ठीक है निखिल, रजत की टेस्ट होने के बाद इसे ब्यूरो ले जाओ और जब तक हम नहीं आते इस पर कड़ी नजर रखना। चलो दे। कोई मेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन मैं डॉक्टर तारिका को मार दूंगा अभी। क्या बेवकूफी है, छोड़ो उसे, छोड़ो। निकल, कोई बेवकूफी मत करना वरना। सब प्लीज सर। सब प्लीज सर, इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे मजबूर मत कीजिए। इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। निकल, गन नीचे, गन नीचे रखो, गन टेबल पर। उधर रखो आपका मोबाइल। मोबाइल लेकिन हमारा मोबाइल और गाड़ी की चाबी। सर आप ठीक नहीं कर रहे हैं सर। दोनों लोग पीछे। तुम पीछे छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो तुम? निखिल लैंडलाइन की तार काटो। निखिल लैंडलाइन की तार काटो। तुम क्या चाहते हो रजत? ये सर, तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो रजत, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इस वक्त मुझे अपने आप को बचाने का और कोई चारा नहीं। कोई पीछे नहीं आएगा, कोई हिलेगा नहीं। सर, आई मीन इट। इसे जानती हो? जी सर, ये तो साशा है, हमारे हॉस्पिटल में नर्स है। पर सर,
इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया। क्या? Oh my God! अब पर कब? कल शाम को तो मैं इससे मिली थी। एक मिनट। कल साशा मिली थी तुम्हें? जी सर। तो क्या उसके बर्ताव में तुम्हें कुछ अजीब नजर आया? हाँ सर, कल शाम को वो बहुत परेशान लग रही थी। क्यों? तुमने पूछा नहीं उसे? पूछा था सर, पर उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और फिर थोड़ी देर बाद अब वो डॉक्टर राघव से बात करने लगी। डॉक्टर राघव? कहाँ है ये डॉक्टर राघव? जरा बुलाओ उन्हें। रजत, कर क्या रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं होश में ही हूँ डॉक्टर तारिका, और मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। गलत हूँ, फिर भी क्या करूँ? हालात ही कुछ ऐसे। पागल हो गए तुम, पागल। एसीपी सर को पता चलेगा ना तो बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। अरे जब उनको पता चलेगा तो उन्हें भी देख लूंगा मैं। फिलहाल मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? तुम्हारी मदद? मैं मर जाऊंगी लेकिन एक क्रिमिनल की मदद कभी नहीं करूंगी। क्रिमिनल? मैं जानता था तुम यही कहोगे। मैं ये भी जानता हूं कि कानून की नजरों में अपराधी हूं मैं, लेकिन जरा सोचो तारिका, एक CID ऑफिसर होकर मैं ऐसा क्यों करूंगा? और अगर मैं ऐसा करता भी हूं तो रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाऊंगा? अरे 100 तरीके ढूंढ लूंगा मैं अपने आप को बचाने के। क्या तरीका है समझाने का? हाँ देखो, तुम क्या कर सकते थे और क्या नहीं ये मैं देख चुकी हूँ अभी। अगर तुम निर्दोष होते ना तो मुझे इस तरह से किडनैप नहीं करते। मैं जानता हूँ कि किडनैपिंग भी एक जुर्म है, उसके लिए I'm sorry। देखो रजत, ये ड्रामा बंद कर और चुपचाप अपने आप को CID के हवाले कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो ये रहे मोबाइल्स और ये रही गन। डॉक्टर राघव, आपके हॉस्पिटल की नर्स साशा कल कुछ टेंशन में थी तो उसने तुम्हारे साथ कुछ बातचीत की ना? जी सर। क्या क्या बातचीत हुई जरा बताइए। एक मरीज के बेटे ने उसे डांट दिया था सर, तो थोड़ी टेंशन में थी वो, तो मैं उसे समझा रहा था बस। कौन सा मरीज? मिस्टर विनय सर, उन्हीं के बेटे ने उसे डांटा था। शायद आप जानते भी होंगे उन्हें, वो भी CID में काम करते हैं, CID इंस्पेक्टर हैं, मिस्टर रजत नाम है उनका। क्या? CID इंस्पेक्टर रजत? तो रजत ने हमें बताया नहीं कि उसके पिताजी हॉस्पिटल में हैं। और तो दया, रजत ने हमसे झूठ बोला है। उसने कहा कि वो नर्स साशा से कभी मिला ही नहीं। क्यों? अच्छा, उसके पिताजी अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है? जी हाँ सर। अनिकेत, रजत ने तारिका को अगवा कर लिया? ये कर, अच्छा ठीक है। श्रेया सर, सचिन को फोन करो और उससे कहो कि वो रजत को ट्रेस करे। इसी बेड पर थे तो फिर गए कहां? मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू तारिका। लेकिन पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि इन्हें बचाने के लिए तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों उठा रहे हो? ये है कौन? I'm sorry, पापा। I'm really very sorry। अपने काम में बिजी रहा, आपको वक्त नहीं दे पाया। क्या कहूं, ड्यूटी कुछ ऐसी है।
बहाने। मैं भी लेकर आता हूँ पापा। यहाँ बहुत खराब है, आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ काम करने आती हैं या बातें? पेशेंट उधर पानी मांग और आप यहाँ जग हाथ में लिए टाइम पास कर रही हैं। खून, खून जट्टी के पास बंगलो, सबूत मिटा दो, सबूत मिटा दो। चाबी गमले के नीचे, आशीष मांग लो, मदद करो बेटा, मदद करो बेटा। मदद करो बेटा, सबूत मिटा दो। चिट्ठी के पास आशीष बगलो। पापा से कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? नहीं नहीं पापा, ऐसा क्यों करेंगे? जरूर ये पापा का कोई भ्रम होगा, दवाइयों के हैवी डोज का दिमाग पर असर पड़ा होगा। लेकिन अगर ये उनका भ्रम नहीं हुआ तो एक CID ऑफिसर होने के नाते मुझे उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार उस बंगलों पर जाके देखता हूँ, हो सकता है ये उनका भ्रम ना हो, हकीकत हो। गमले के नीचे क्यों करेंगे?
अब तो तुम मेरी मजबूरी समझ सकती हो ना। मगर इस सबके पीछे रजत और उसके पिताजी का क्या रोल हो सकता है सर? क्या रजत या उसके पिताजी को कोई खतरा था जिसकी वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हो सकता है, जरूर हो सकता है। नहीं तो रजत एक सीआईडी ऑफिसर इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है सबके सामने तारिका को किडनैप करने का? सर अगर वो तारिका को किडनैप कर सकता है तो उस पर वार भी कर सकता है। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता। एक जुर्म छुपाने के लिए वो ऐसा जुर्म नहीं करेगा तारिका पर वार करने का। सही कहा आपने सर। रजत सर, मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूं। ये निखिल की गन, ये मोबाइल्स। निखिल, अपने गुनाहों के लिए मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूं। कौन से गुनाह? बंगलों में किए गए खून, कुएं से मिली लाशें, सारे कंकाल, नर्स साशा का मर्डर। तारिका कहाँ है? उसे मैं अपने साथ नहीं लाया। कहाँ है वो? डॉक्टर, तारिका सुरक्षित है। जब तक वो तुम्हारे पास है सुरक्षित नहीं है। कहाँ है वो? मैंने डॉक्टर तारिका को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। वो तो पता चल जाएगा। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? सर वो मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? आप उनसे कुछ और पूछिए, लेकिन अपने पिता के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा, समझे? तो बताओ, तुम्हारे पिताजी का उस बंगले से उस नर्स साशा के साथ क्या कनेक्शन है? क्या कनेक्शन था? और फिर डेल्टा हॉस्पिटल से क्या वो जुड़े हुए हैं? जवाब दो रजत। I'm sorry sir, मैं अपने पिता के बारे में कुछ नहीं बता सकता। आप मुझे अरेस्ट कीजिए, आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है। बॉस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली। बताना जरूरी था इसलिए मैं खुद चलाया। क्या पता चला डॉक्टर सर? दया, वो जो जमीन पर खून पड़ा हुआ था उसमें ग्लाइसरॉल है। सर वो क्या होता है? वैसे तो ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल कई जगह किया जाता है, लेकिन खास तौर पर ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल ब्लड बैंक में खून को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। मतलब वो खून किसी ब्लड बैंक से लाया गया? हाँ, किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा दिया। इसका मतलब है जिसकी भी ये साजिश है वो जरूर किसी ब्लड बैंक या हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। ब्लड प्रिजर्वेशन का प्रोसेस बहुत ही महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पताल में और छोटे मोटे ब्लड बैंक में काम नहीं किया जा सकता। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया जाता है। डेल्टा हॉस्पिटल। डॉक्टर अनुप सर, ये सारे रिसर्च डॉक्टर अनुप के नाम पर है। दया, इस डॉक्टर अनुप को इतने सारे खून के बॉटल्स की जरूरत क्यों पड़ी? और सर पिछले दो दिनों में ही उन्होंने ये सारी बॉटल्स ली हैं। सर शायद ये डॉक्टर अनुप ही इन सारे गुनाहों का करता धरता हो सकता है। यार हो सकता है। ये डॉक्टर अनुप कहाँ मिलेंगे? सर वो तो कुछ देर पहले ही चले गए। चले गए? कहाँ चले गए ये तो पता नहीं सर, लेकिन उनके लिए कॉल था। उन्होंने कुछ देर फोन पे बातें की और फिर तुरंत चले गए। किससे कॉल किया था? किसी केमिस्ट शॉप से फोन था। कौन सा केमिस्ट शॉप? ये तो पता नहीं सर, लेकिन आपको उनका नंबर मिल जाएगा। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है, रजत सर ऐसा क्यों कर रहे हैं?
क्यों सच को छुपा रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा निखिल, बस एक बार पता चल जाए कि उस अस्पताल में क्या हो रहा है। सर, वो अपने पिताजी के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं है? खून, खून, जट्टी के पास सबूत मिटा दो, मदद करो बेटा। किसी ने जानबूझकर ब्लड बैंक से वो ब्लड लिया और उस जमीन पर और उन औजारों पर लगा। एक और खास बात, रजत के पिताजी डेल्टा हॉस्पिटल में थे और डेल्टा हॉस्पिटल में खून को प्रिजर्व करने के लिए ग्लाइसरॉल का इस्तेमाल किया था। मालूम है आज हॉस्पिटल में क्या हुआ है? कैसे? एक आदमी अपनी बीवी की कंप्लेंट करने लगा इसी हिसाब से, कहने लगा कि उसकी बीवी उसे मारती है, उससे काम करवाती है। अब सीआईडी के पास क्या यही काम बचा? लोग भी अजीब अजीब कंप्लेंट लेके आते हैं हमारे पास, कहते किसी का कुत्ता खो गया, किसी का बटवा खो गया, किसी की बीवी उसे मारती है। दूध वाला दूध में पानी डाल रहा है, अब ये सब कंप्लेंट सीआईडी सॉल्व करेगी क्या? कंप्लेंट? कहीं ऐसा तो नहीं कि पापा भी किसी की कंप्लेंट कर रहे थे मुझसे और मुझे लगा कि उन्होंने ये सब किया? हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा ही हो। कहाँ जा रहे हो आप? रुक जाइए वरना आप। वरना? वरना क्या, तुम लोग मुझ पर गोली चलाओगे? जरूरत पड़ी तो, इसलिए प्लीज। देखो, मुझे एक बहुत ही जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाने दो। एसीपी सर ने कहा है कि आप ब्यूरो से बाहर नहीं जा सकते। निखिल, इट्स इंपॉर्टेंट, मेरा विश्वास करो, इसमें मेरी कोई चाल नहीं। अगर इसमें आपकी कोई चाल हुई तो? रेडी, अगर मुझे भागना ही होता तो मैं अपने आप को सरेंडर क्यों करता? प्लीज मेरी बात मानो, इस वक्त मेरा यहां से जाना बहुत जरूरी है, प्लीज। कहां जाना चाहते हैं आप? हेलो, एसडी केमिस्ट जी, कहिए। मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ, मुझे एक पेशेंट के प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी थी। जी जी, कौन से पेशेंट के बारे में सर? पेशेंट का नाम तो नहीं पता। फिर मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दूं सर? देखिए, थोड़ी देर पहले आपने डेल्टा हॉस्पिटल में डॉक्टर अनूप को फोन किया था ना? यस सर, एक्चुअली उन्होंने मुझे फोन किया था ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि मिस्टर विनय नाम के पेशेंट का अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन लेकर के आए तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूं। विनय? ये तो रजत के पिताजी हैं। क्यों सर? उनका कहना था कि मिस्टर विनय पेशेंट जो है वो एक फ्रॉड है। मिस्टर विनय एक फ्रॉड है? अच्छा, मिस्टर विनय की दवाई लेने के लिए कोई आया था वहाँ पर? हाँ सर, एक लड़की आई थी सर। ये लड़की दिखती कैसी है, मेरा मतलब उसका हुलिया कैसा है? सर, वो लड़की लंबी थी, घुंघराले से बाल थे, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता सर। ओ, और इस लड़की का एड्रेस बताया तुमने डॉक्टर अनूप को? हाँ हाँ सर, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। क्या एड्रेस क्या है उसका? बेटी, ये यहाँ कैसे? सर, मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे नाराज हैं, मैंने जो किया गलत किया। अपने पिता को बचाने के लिए मैं उन्हें हॉस्पिटल से भगा के ले गया। पहले मुझे लगा था कि वो इस सब चीजों में शामिल हैं, लेकिन वो बेकसूर हैं सर। अगर तुम बेकसूर नहीं हो, नहीं हो तुम बेकसूर, समझे? साशा के खून में तुम अभी भी निर्दोष साबित नहीं हुए हो। उस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। तुम्हारे पिताजी इस वक्त कहाँ रह जाते? क्यों सर? रजत, हमें पता चला है कि डॉक्टर अनूप किसी घुंघराले बालों वाली लड़की के पीछे गए हैं जिसके पास तुम्हारे पिताजी की दवाई की प्रिस्क्रिप्शन है और जो मेडिकल स्टोर में गई थी दवाई खरीदने के लिए। क्या क्या हुआ, तुम उस लड़की को जानते हो? हाँ सर, वो घुंघराले बालों वाली लड़की डॉक्टर तारिका है। तारिका?
बंदूक दे तेरी, बंदूक दे। कट। कौन हो तुम? चुपचाप ये बता कि रजत के पिताजी कहाँ पे हैं? पहले बोलो कौन हो तुम? जो पूछ रहा उसका जवाब दे। बता, रजत के पिताजी कहाँ हैं? नहीं बताऊंगी। देख दिमाग मत खराब कर, समझी? जल्दी बोल। बोला ना नहीं बताऊंगी। तो ऐसे नहीं मानेगी हाँ? दिखाऊं तुझे? क्या? नहीं बताएगी ना? तो यहाँ पे तुझे गोली मार दूंगा। मार। नहीं बोलेगी? नहीं। नहीं बोलेगी तू? बोला ना? नहीं। पता? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही कातिल हूँ, मैंने ही सारा खून किया सर। एक डॉक्टर होकर शैतान का काम किया तुमने, क्यों क्यों किए ये खून? क्योंकि लालच में सर, मैं एक ऑर्गन्स का रैकेट चलाता था सर, पेशेंट के शरीर से अंग निकालता था और उन्हें बेचता था, जिससे मुझे बहुत रुपए मिलते थे सर। और सबूतों को मिटाने के लिए तुम लाशों को उस कुएं में फेंकते थे जिसमें तुमने पहले से सल्फर ट्रेट मिलाया हुआ था। हाँ सर। रजत को क्यों फंसाया तुमने? रजत के पिताजी ने मेरी और शाजा की सारी बातें सुन ली थी सर, और उन्होंने वो सारी बातें रजत को बता दी। मैं जानता था रजत एक सीआईडी कॉप है, वो उस बंगले में जरूर जाएगा और मैं और शाशा पकड़े जाएंगे, इसलिए 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 उस दिन को क्यों मारा तुमने? शाशा मुझसे बहुत प्यार करती थी और ऑर्गन्स का रैकेट चलाने में मेरी मदद भी करती थी, मेरी साथी थी वो, लेकिन लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी सर, इसीलिए मैंने एक वार से दो शिकार कर लिए, शाशा को भी मार दिया सर, उसका सारा इल्जाम रजत पे डाल दिया सर। तुम्हें क्या लगा कि सीआईडी को फंसाकर तुम बच जाओगे? लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि सीआईडी को फंसा कर तुम अपने लिए ही फांसी का फंदा तैयार कर रहे थे। इतने मासूम लोगों की जाने ली किस लिए? पैसा कमाने के लिए, गलत रास्ते से। अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी फांसी के फंदे से बचा नहीं सकता। ले जाओ इसे फ्रेडी।
I'm sorry, sir. मैंने रजत, एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक सीआईडी ऑफिसर के लिए रिश्तों से ज्यादा फर्ज होता है। काम पर लग जाओ।